तो वहीं आपको बता दें कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अब अपनी अपनी जोर आजमाइश में जुटे हैं। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिजनौर में अपनी पहली फिजिकल चुनावी रैली करेंगे और साथ ही गोवा में वर्चुअल रैली को संबोधित भी करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मीरानपुर कटरा में रामलीला मैदान के पास जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह नवाबगंज में आयोजित जनसभा और सफाई कार्यक्रम में शामिल होंगे। इधर बसपा सुप्रीमो मायावती भी आज बरेली के बीसलपुर रोड पर जनसभा को संबोधित करेंगे और इस मंडल स्तरीय जनसभा में 1000 कार्यकर्ता शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि जैसे जैसे विधानसभा चुनावों की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी जोर आजमाइश में जुटे हैं और तमाम राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक भी अब पूरी तरीके से मैदान में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश में फिजिकल और गोवा में वर्चुअल रैली होगी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को, जनता को वर्चुअली संबोधित करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ A1 संवाददाता अनिकेत तिवारी फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। अनिकेत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिजनौर में जो वर्चुअल सम्मेलन है वो अपने आप में कितना महत्वपूर्ण होता है और क्या वो खास वजह है बिजनौर को चुनने की? उमंग, अगर बात की जाए बिजनौर की या फिर अन्य किसी क्षेत्र की, तो अब जब चुनाव घोषणा हो चुकी है तो बस अब जो राजनीतिक दल हैं वो ये इस प्रयास में है कि हर क्षेत्र को, हर वर्ग को साधने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। चाहे पश्चिमी यूपी की बात की जाए, चाहे पूर्वांचल की बात की जाए, या फिर बुंदेलखंड की बात हो। एक तरफ जहां विपक्षी दल लगातार रैलियां करके संबोधित कर रहे हैं जनता को, जनता के बीच में अपना जनाधिकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष स्तर के जो नेता हैं, जो वो चाहे नरेंद्र मोदी की बात कर ली जाए या फिर अमित शाह की बात करें या जेपी नड्डा की बात हो, लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के जो शीर्ष नेतृत्व के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनावों की कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। और एक चीज और भी उमंग यकीन तौर पर सामने देखने को मिली है कि बीजेपी ने न केवल अभी मौजूदा समय में बल्कि पिछले 4.5 साल से, जब से सरकार में उत्तर प्रदेश में बीजेपी गवर्नमेंट आई उसके बाद से लगातार चुनावों को लेकर जो तैयारी थी वो जमीनी स्तर पर होती नजर आई। फिर वो चाहे पन्ना प्रमुख के रूप में हो या फिर बूथ प्रमुख के रूप में हो, लगातार जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं काम करती हुई नजर आ रही थी। और यही कारण है कि अब नरेंद्र मोदी अब पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में कमान संभालते नजर आ रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर किया जा चुका है। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है वो बड़ी है, क्योंकि चुनाव को जीतना है और बड़े बड़े जनाधिकार के साथ में उत्तर प्रदेश सत्ता पर काबिज होना है। क्योंकि पिछले चुनावों को अगर समीकरण देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का बेहद बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। तो अब ऐसे में प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि विपक्षी दल लगातार हमलावर है। फिर वो चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, रोजगार की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर लगातार जो विपक्षी दल है वो भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जो बयानबाजी है वो दोनों ही पक्षों से, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही तरफ से जो बयानबाजी का दौर है, जो बयारे हैं वो तेज होती नजर आ रही है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंच से निशाना साधते नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में जनता का जनाधिकार किसको प्राप्त होगा, 10 मार्च के बाद में जो निर्णायक फैसले आएंगे उमंग, वो तय करेगा कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होता है। जी बिल्कुल अनिकेत, एक सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली संबोधित करने वाले हैं या फिजिकली उनकी जनसभा बिजनौर में होगी? देखिए, बिजनौर की अगर बात की जाए तो बिजनौर में फिजिकली रैली करेंगे और उसके बाद में गोवा में वर्चुअली संवाद करेंगे। 5 राज्यों के चुनाव और ऐसे में 5 राज्यों के चुनावों को लगातार साधने का जो प्रयास है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश एक बड़ी जमीन है, एक बड़ी पृष्ठभूमि है राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो उसको लगातार अपनी जो जमीन है उसे मजबूत और पुख्ता करने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिजिकली रूप में बिजनौर में रैली करेंगे। उमंग जी बिल्कुल, अनिकेत एक आखिरी सवाल यह है कि साल 2017 की अगर हम बात करें तो बिजनौर से बीजेपी ने 8 में से 6 सीटें जीती थी और समाजवादी पार्टी की झोली में 2 सीटें गई थी, लेकिन कृषि आंदोलन, जाट और मुस्लिम का अधिक वहां पर आबादी का होना, क्या लगता है आपको इस बार कितना मुश्किल हो सकता है बीजेपी के लिए बिजनौर?
देखिए उमंग, अगर 2022 की विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो समीकरण कहीं ना कहीं बेहद अटपटे देखने को मिल रहे हैं। अभी जो वोटर्स है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह शांत बैठा हुआ है, तो ये कह पाना कि कितना मुश्किल होगा या कितना सरल हो पाएगा भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये अभी बहुत जल्दी होगा। लेकिन ये जरूर है कि लगातार जो साधने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, फिर वो चाहे मुस्लिम वर्ग हो या दलित वर्ग हो या हिंदू वर्ग हो या ब्राह्मण वर्ग हो, उन सभी वर्गों को साधने का लगातार प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और यही कारण है कि लगातार सम्मेलन किए गए, लगातार बैठकें बुलाई गई और जो शीर्ष स्तर के जो नेता थे उन्होंने कमान संभाली और उन्होंने जो 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 मूल मंत्र थे उन्हें उन्हें देने का प्रयास किया। तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती जरूर है कि एक बेहतर प्रदर्शन हो 2022 में, पिछले चुनावों को देखते हुए इस बार का प्रदर्शन और बेहतरीन करना है, और यही कारण है कि लगातार साधने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि मुस्लिम वर्ग की अगर बात की जाए तो जयंत चौधरी, चाहे जाटों की बात की जाए तो जयंत चौधरी लगातार ये बात कहते हैं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी जाएगी। अब लेकिन समीकरण क्या बैठते हैं, जनता का वोट किसको मिलता है, लोग किसके पक्ष में जाते हैं, ये बेहद देखने वाली बात खास होगा। हालांकि पिछले चुनाव में अगर देखा जाए तो चाहे मुस्लिम वर्ग की महिलाएं हो या पुरुष हो, सभी ने भारतीय जनता पार्टी को पुरजोर तरह से वोट किया था, और यही कारण था कि उत्तर प्रदेश में एक बड़े बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी थी। अब वही समीकरण क्या 2022 में दोबारा से दोहराए जाएंगे, 10 मार्च के बाद में क्या जो फैसला है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा या किसी दूसरे दल के पक्ष में आएगा, हालांकि ये कह पाना भी बहुत जल्दी होगा उमंग। लेकिन यकीनन तौर पर अगर बात की जाए वर्गों को साधने की, तो लगातार राजनीतिक जो दल है वो वर्गों को साधने का लगातार प्रयास कर रहे हैं उमंग। जी बिल्कुल अनिकेत, इस खबर पे हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिजनौर में होने वाली जनसभा में शिरकत करेंगे और साथ ही साथ गोवा में एक वर्चुअल रैली को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर तमाम पार्टियों के स्टार प्रचारक अब पूरी तरीके से चुनावी मैदान में आ चुके हैं। इसी कड़ी में बरेली में भी बसपा सुप्रीमो मायावती की आज जनसभा होनी है।